भगवान राम केवल अध्यात्म धर्म या एक देवत्व स्वरूप होने के कारण ही पूजनीय नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में अपने कर्म के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा मैनेजमेंट की भी बहुत अच्छी शिक्षा हम लोगों को दी है। एज ए कॉरपोरेट स्टूडेंट और एज ए कॉरपोरेट लीडर जब मैं भगवान राम के बारे में पढ़ता हूँ, जब मैं भगवान राम के बारे में सुनता हूँ, तो मुझे वो एक कॉरपोरेट मैनेजमेंट की तरह, मैनेजमेंट गुरु की तरह समझ में आते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी से उनकी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में जोड़ता हूँ। प्रसंग है सीता स्वयंवर का। राजा जनक जो मिथिला के राजा थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी कि जो कोई शिवजी के धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। राजा जनक उस जमाने में बहुत बड़े राजा थे, उनकी चारों ओर बहुत कीर्ति पताका फैलाती थी, तो पूरी दुनिया के राजा महाराजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए। राम और लक्ष्मण उस समय 12-13 वर्ष की आयु के छोटे से बालक थे, जो गुरु विश्वामित्र की सेवा में गए हुए थे। गुरु विश्वामित्र के पास राजा जनक का इनविटेशन आया था स्वयंवर को देखने के लिए, तो गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को भी स्वयंवर दिखाने के लिए मिथिला लेके चले गए। अब आप कल्पना कीजिए, पूरा राजदरबार लगा हुआ है, पूरी दुनिया के राजा महाराजा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, और राम और लक्ष्मण जो एक 12-15 साल के युवा हैं, वो गुरु विश्वामित्र के साथ उस स्वयंवर को देखने के लिए आए हैं। पूरा दरबार सजता है, राजा जनक बैठते हैं, और राजा जनक के प्रतिनिधि उस सभा में एक बार पुनः राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है उसके बारे में उद्घोषणा करते हैं कि ये जो शिवधनुष रखा हुआ है, इस शिवधनुष को जो उठाएगा और इस पे जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ सीता का स्वयंवर होगा। धीरे धीरे करके एक एक राजा अपनी जगह से उठते हैं, उनके बारे में परिचय दिया जाता है कि ये राजा, ये नगरी के राजा हैं, इन्होंने इतने युद्ध जीते हैं, इनमें इतनी वीरता है, इतना ताकत है, इतना बल है। और उसके बाद में वो जब धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, तो उठाना तो दूर, एक इंच तक धनुष हिलता तक नहीं। और ऐसा एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, सारे राजा आगे चले जाते हैं, किसी से वो धनुष एक इंच भी वहां से हिलता तक नहीं। ऐसे में पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। राजा जनक निराश हो जाते हैं, क्या प्रतिज्ञा करते, पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। और ऐसे समय में गुरु विश्वामित्र राम को कहते हैं, जाओ राम, तुम उस धनुष को उठाओ, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, और राजा जनक का शोक। हम हमारे जीवन में एज ए कॉरपोरेट स्टूडेंट, एज ए मैनेजमेंट लीडरशिप, हम देखते हैं कि दूसरे लोगों को देख के हम हमारी धारणा बना लेते हैं। अगर हम भगवान राम की जगह होते तो हम गुरु विश्वामित्र को कहते कि गुरुदेव, क्या अन्याय कर रहे हो आप मेरे साथ, जो धनुष इतने बड़े बड़े राजाओं से एक इंच हिला तक नहीं, वो धनुष आप मुझे उठाने के लिए कह रहे हैं, और हम बिना प्रयास करे ही अपनी हार को स्वीकार करके बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, भगवान राम ने ऐसा नहीं, उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, उन्हें उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, और बिल्कुल निर्लिप्त भाव से वो उठ कर गए, और उन्होंने धनुष को प्रणाम करके एक हाथ से धनुष को उठा लिया।
उन्होंने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष फूट गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास की कहानी है जो सबको पता है। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, ये भगवान राम का चरित्र हमें ये शिक्षा देता है कि जब तक हम हमारा खुद का प्रयास न कर लें तब तक हम इस निष्कर्ष पे ना पहुंचे कि कोई काम होने वाला है या नहीं। बहुधा हम ये गलती कर बैठते हैं कि दूसरे लोगों को देख के हम हमारा जजमेंट बना देते हैं। भगवान राम इसीलिए मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं और ऐसी छोटी छोटी कहानियां लेके हम अगली बार फिर मिलेंगे भगवान श्री राम के किसी और प्रसंग के साथ। तब तक जय राम जी।